आपके अपने चैनल सौरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। इसके तहत एक वैकेंसी आई है, जिस वैकेंसी का नाम है कार्यकारी सहायक भर्ती 2022। ये सीधी भर्ती होनी है। योग्यता इसमें स्नातक रहेगा किसी भी विषय से हो। CCC जरूरी नहीं है। अगर कन्फ्यूजन दिमाग में है तो CCC की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप स्नातक हों और कंप्यूटर की सामान्य जानकारी आप रखते हों, यानी आपका ये खुद पेपर ले लेंगे और सामान्य जानकारी आपकी चेक कर लेंगे और इसके लिए कोई प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। पोस्ट है 1033। आइए पूरी डिटेल को समझते हैं। देखिए यहाँ पर विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की तरफ से वैकेंसी निकली हुई है और इसमें कहा गया कि समूह गा के अंतर्गत ये वैकेंसी है, समूह गा में, और ये इस पद का नाम कार्यकारी सहायक है। उसके साथ यहाँ पर कार्यकारी सहायक आप देख सकते हैं 416 अनारक्षित में, 103 EWS में, 278 अन्य पिछड़ा वर्ग, 216 अनुसूचित जाति और 20 अनुसूचित जनजाति के लिए, और इसमें 8 बैकलॉग भर्तियाँ शामिल हैं। आवेदन करने वाले के पास आधार कार्ड अथवा विधिमान यानी पासपोर्ट, वोटर ID या पैन कार्ड इस तरीके के आधार कार्ड से अलावा भी आप कोई भी लगा सकते हैं। क्लियर हो गया। भारत के नागरिक होना चाहिए, यही अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश का नागरिक होना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर आप किसी भी प्रदेश से हो फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ अब बताया गया है CBT के माध्यम से एग्जाम लिया जाएगा, यानी ऑनलाइन परीक्षा होगी आपकी। वेतन मान आपका 27,200 से लेकर 86,100 रुपये है, यानी वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 रहेगा 7th पे के अनुसार। इसमें सैलरी आपकी 35,000 से 40,000 के बीच में आपकी बनेगी। क्लियर हो गया। यहाँ पर दिया गया है कि भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। उम्र 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए, 21 से 40 वर्ष। देखिए आहर्ताएं यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई हैं, आप यहाँ पर प्रॉपर वे में देख सकते हैं। हिंदी में आप टाइपिंग कर लेते हो 30 शब्द प्रति मिनट की गति से, और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। क्लियर हो गया। यहाँ कहा गया कि लिखित परीक्षा जो चयन प्रक्रिया है उसमें कहा गया कि आपका सबसे पहले एक कंप्यूटर का टेस्ट लिया जाएगा, जो कि आपका लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। चयन लिखित और टंकण परीक्षा के आधार पर होगा। इसमें सबसे पहले लिखित परीक्षा कराई जाएगी, उसके दो भाग होंगे, यानी लिखित परीक्षा के आपके दो भाग होंगे। एक में नीलेट होगा, यानी इसमें आपके कितने सवाल मिलेंगे, इसमें आपके सवाल होंगे 50, और दूसरे वाले में होंगे जो है आगे हम बताएंगे। तो यहां पर आपने देखा इसमें 50 होंगे, और इसमें 50 प्रश्न होंगे, 50 अंकों के होंगे और निगेटिव मार्किंग के साथ होंगे। निगेटिव मार्किंग आप देख सकते हैं ऋणात्मक, इसमें 1/4 है, यानी एक अंक मिलेगा और आपका 1/4 कट जाएगा अगर गलत आंसर आप देते हैं। और ये कॉपी अगली जो सेकंड पेपर होता है इसका, उसमें आपकी कॉपी तभी चेक की जाएगी जब आप इस वाले पर्टिकुलर में, कंप्यूटर वाले में, आप 20 नंबर ले आएंगे। 20 नंबर ले आएंगे तभी आपके ये वाले प्रश्न जो है आपके चेक किए जाएंगे, जो कि 180 अधिकतम अंक के होंगे, 180 अधिकतम अंक के होंगे। एक प्रश्न एक अंक का होगा, यानी 180 अंक यहाँ हो गए, और आपके जो है कम से कम 20 अंक वहाँ आपको लाने अनिवार्य हैं। तो ये आप इस तरीके से देख सकते हैं, जितने नंबर आएंगे दोनों को जोड़कर ही आपकी मेरिट बनाई जाएगी, यानी 50 प्रश्न पहले वाले में और 180 प्रश्न आपके दूसरे वाले सेक्शन में आने अनिवार्य हैं, तभी आपका जो है यहाँ पर कॉपी चेक की जाएगी। क्लियर हो गया होगा। यहाँ भी एक अंक का एक है, तो यानी पहले आप कंप्यूटर का परीक्षा देंगे जो नीलेट CCC के स्तर का होगा, CCC नहीं, CCC के स्तर का होगा, उसी तरीके का पेपर आएगा। फिर आप उसमें 50 में से 20 नंबर ले आए तो आपका अगला राउंड जो सेकंड भाग है, जिसमें सामान्य अध्ययन, तार्किक ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी आएगा, वो आपके प्रश्न पत्र चेक कर लिया जाएगा। तीसरे भाग में यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी अंग्रेजी टंकण परीक्षा तो आमंत्रित किए जाएंगे, और इसमें 3 गुने, कम से कम 3 गुने बुलाए जाएंगे, और टंकण कंप्यूटर 5 मिनट की परीक्षा का प्रतिभाग लेना होगा, और टंकण की गति का निर्धारित किया जाएगा। कुर्ती देव 10 और 0.16 फ्रंट पर ली जाएगी। न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से होने चाहिए। तो उपरोक्त 200 अंकों की परीक्षा में 2 या 2 से अधिक प्रश्नों के समान अंक आने पर आपकी बाकी डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करा दी गई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको जो प्रमाण पत्र यानी पैसा देना होगा फॉर्म भरने के लिए, 1180 रुपये आपको
ओबीसी एससी एसटी और क्रीमी लेयर, और ईडब्ल्यूएस के लिए देना है, एससी एसटी के लिए आपको देखना है यहाँ पर 886 रुपये, हैंडीकैप्ट के लिए जो है यहाँ 12 रुपये आपको प्रोवाइड कराना है प्लस जीएसटी। पेमेंट गेटवे के माध्यम से होगा, वेबसाइट आपकी ये रहेगी, यहाँ पर आप फॉर्म भर पाएंगे। अभी चलेंगे हाउ टू अप्लाई, देखेंगे किस तरीके से अप्लाई आप कर सकते हैं। प्रवेश पत्र आपको एसएमएस और रजिस्टर्ड मोबाइल ईमेल आईडी पर प्रेषित किया जाएगा या डाक द्वारा सूचित नहीं किया जाएगा। फॉर्म आप कब से कब तक भर पाएंगे, तो ये 19 अगस्त से लेकर 12 सितंबर तक आप फॉर्म भर पाएंगे, और उसके बाद परीक्षा के संभावित अक्टूबर के द्वितीय सप्ताह में रहेगी। तो ये क्लियर है, आपने देख लिया यहाँ पर। और जीरो नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, ये अलग अलग चीज़ें, क्योंकि इसमें अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग पेपर होगा, तो उसका स्कोर नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। फॉर्म यहाँ पर ओपन हो गया है, और इस फॉर्म में आप देखें कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आप देख सकते हैं, यहाँ पर लास्ट डेट और सारी डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है। नीचे आप एडवर्टाइजमेंट डिटेल डाउनलोड कर सकते हैं, और फिर उसके बाद स्कैन कॉपी और बाकी चीज़ें यहाँ पर आप देखेंगे। नीचे हाउ टू अप्लाई में आप क्या कहा, नीचे आएंगे सबसे नीचे फोटोग्राफ सिग्नेचर की इमेजेस होनी चाहिए, 30 KB से कम और 100 KB से कम होनी चाहिए। फिर यहाँ पर एग्री करेंगे, एग्री करने के बाद स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करने के बाद आपको एक नया फ्रंट यहाँ पर मिलेगा। देखिए ये अपलोड हो रहा है, यहाँ अपलोड होने पर आपको कैंडिडेट पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर फुलफिल करनी होगी। यहाँ पर अब देखिए, अगर आप क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स से भरते हैं तो अच्छा जो है यहाँ पर इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ एप्लीकेंट नेम, फादर्स नेम, एप्लीकेंट मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, कन्फर्म मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आपको बहुत प्रॉपर वे में भरनी है, क्योंकि सारी कम्युनिकेशन जो होगा इस विभाग की तरफ से वो ईमेल आईडी पर या मोबाइल नंबर पर ही किया जाएगा। तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों प्रॉपर वे में ही भरें, क्योंकि उसी से सारी डिटेल्स चेक होंगी। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।